हमारे मंतव्य, हमारे रुझान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 20% आबादी के प्रति अगर हमारा दृष्टिकोण उचित नहीं है, हमारे दृष्टिकोण में समग्रता में लेने का अगर भाव नहीं है, तो मैं समझता हूं कि चाहे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लें या आलिशान महल खड़े कर लें, एक मुल्क के रूप में हम तन्हा महसूस करेंगे। ये मेरा मानना था। अब्दुल वहाब साहब ने जब रेजोल्यूशन के बारे में बोलने खड़े हुए, मुझे लगा कि एक विस्तृत फलक पर वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक झिझक मैंने देखी, एक संकोच सा देखा, मैं डर नहीं कहूंगा, एक झिझक, एक संकोच, एक रिलक्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सर, ये आज देश के मुसलमानों में अधिकांश की यही हालत है, एक झिझक, एक संकोच, एक रिलक्टेंस। ये सर, मैं यकीन मानिए, मैं बस कुछ बातें रखूंगा। माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज। समाज के अंदर ध्रुवीकरण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और यह भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह ध्रुवीकरण समाज के लिए अच्छा है, इलेक्शन के लिए अच्छा हो सकता है, चुनाव के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्रुवीकृत समाज अंदर अंदर उसको दीमक चाटने लगता है। अड़ोस पड़ोस देख लीजिए, जो मजहब के नाम पर मुल्क बने, आज उनकी क्या हालत है। अरे वो तो एक भी नहीं रह पाए, भाषा मजहब पर भारी पड़ गई, बांग्लादेश का जन्म हुआ। हमारे यहां जो परिस्थितियां सर उठा रही हैं, उन सर उठाने वाली परिस्थितियों पर कब्जा करना होगा, क्योंकि हालात आज ये हो गए हैं माननीय उपसभापति महोदय कि हम कपड़ों से पहचानते हैं। तो जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर यह समझता है मुसलमान हूं मैं। ऐसे अगर समाज बटेगा कि मेरी जुबान से, मेरी भाषा से, मेरे परिवेश से, मेरे परिधान से आप पहचान करेंगे, उसके आधार पर निर्णय करेंगे, तो वो समाज के लिए उचित नहीं है। क्योंकि इस रेजोल्यूशन का जो आखिरी, जब वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है सर, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। द रेजोल्यूशन अर्जेस द हाउस टू इनैक्ट, प्लीज प्लीज अनिल जी आपकी तवज्जो चाहता हूं। मेरा अनुरोध है, पीछे बैठे माननीय सदस्य।